बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000। तो भाई अगर आपका बजट 30,000 है, 30,000 के बजट में आप एक लोडेड स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आज मैं आपको बहुत स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको लाइक बैटरी के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए वो भी आपको आज देखने को मिलेगा, अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए वो भी अभी आपको देखने को मिलने वाला है, अगर आपको प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए, एंड भाई अगर आपको रियलमी का ही स्मार्टफोन चाहिए वो भी सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज द, वेलकम टू द अजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, इंस्टाग्राम पे फॉलो, यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सीधी बात करते हैं भाई। अगर आपको बैटरी के रिलेटेड एक स्मार्टफोन चाहिए ना उसकी बात कर लेते हैं भाई। अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ स्मार्टफोन चाहिए तो भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M51 की ओर। पहली बात, सबसे पहले ये सैमसंग की ओर से आता है, सैमसंग का जो प्राइवेसी सिस्टम वो बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। एंड अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, बैटरी की, आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आज तक तो किसी और फ़ोन में आपको 7000 mAh की बैटरी नहीं देखने को मिलती। एंड आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में डिस्प्ले बहुत तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। इसका डिज़ाइन, इसका लुक वगैरह भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, मुझे पता है भाई। अगर आपने जाना है, अगर आपका बजट मतलब 22,000-23,000 भी अगर आपका बजट है ना, इस प्राइस रेंज में आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 मिल जाएगा भाई। अगर आप 30,000 बजट लेके चल रहे हो ना, आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए तो भाई आपके 7,000 रुपीज़ जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। ये आपको 22,000-23,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आपने इसको चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने इसको लेना है भाई आप ले भी सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता है आप कर सकते हो, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.7 inch फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि AMOLED प्लस डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है 64MP प्लस 12MP प्लस 5MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूँ, 32MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस देखने को मिल जाता है 24,999, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 22,000-23,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी M51 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M51 के। तो भाई 22,000-23,000 के बजट में आपको एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर, अच्छी बैटरी लाइफ, उसके बाद भी अच्छा कैमरा मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई। अगर आपने कहा बजट 30,000 है ना, अपने पैसे बचा लो, क्यों ख़राब करने भाई। आगे बात करते हैं, अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए उस स्मार्टफोन की भी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, आप जा सकते हो वीवो V20 की और जब OnePlus Nord की, ठीक है। एक स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाता है, दूसरे में की बात करूँ आपको वीडियो स्टेबलेशन देखने को मिल जाती है भाई। अगर आपके हाथ वगैरह ज़्यादा शेक करते हो उसको बहुत माइनर कर देता है वीवो V20, एंड इसका डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत प्यारी है। एंड बात करूँ मैं OnePlus Nord की, उसका भी डिज़ाइन लुक कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले दोनों का बहुत सही है। बैटरी लाइफ की बात करूं दोनों में तगड़ी मिल जाती है, उसके बाद प्रोसेसर भी दोनों में तगड़ा देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी आप लेना चाहते हो कैमरे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, दोनों में आपको कैमरा गुड मिल जाता है। 30,000 के बजट में पैसा वसूल कैमरा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा बजट 30,000 होता, मैंने कोई कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन लेना होता तो भाई मैं जाता वीवो V20 की, बिकॉज उसमें आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। उसके साथ साथ भी आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी रिलीज होगी, टिकटॉक होगी, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोस करनी है, वो बहुत सही कर देगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर मैं होता तो मैं जाता वीवो V20 की। और अगर आपने भी जाना, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, अगर आपने चेकआउट करना है, देखना चाहते हो, डीपली देखना चाहते हो तो भाई देख सकते हो वीवो V20 को, बहुत कलर प्यारे आते हैं। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.44 inch फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि AMOLED डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 44MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस आपको 25,000 देखने को मिलता था, लेकिन भाई अभी इसका प्राइस आपको 22,000-23,000 के बजट में आपको वीवो V20 देखने को जाता है। अभी बात करते हैं OnePlus Nord की। तो डिस्प्ले की बातों को 6.44 inch फ्लूड AMOLED डिस्प्ले मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले इसका बहुत तगड़ा। अगर आपने इंडोर यूज करना है तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, अगर आपने आउटडोर यूज करना आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिल जाता है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है अपने फोन पे ही, तो भाई 4K सपोर्ट करता है, मैं आपको कह दूं, ठीक है। वीवो V20 भी सपोर्ट करता है, OnePlus Nord भी सपोर्ट करता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग भी, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, ये दो वेट में आता है, 8GB की और जाना जा सकते हो। अगर आपने 12GB की और जाना, आप उसके और भी
भी जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। प्लस ये 128 GB स्टोरेज में देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ आपको 4115 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात कर लेते हैं आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूँ आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है 32 MP प्लस 8 MP। प्राइस की बात करूँ ये स्मार्टफोन आपको 27,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए। दोनों जो स्मार्टफोन है वो सच में बहुत लोडेड देखने को मिल जाता है। कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए पैसा वसूल आपका पूरा होने वाला है भाई। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोस करनी है, प्लस भाई अगर आप सिनेमैटिक शूट करना चाहते हो ना, यूट्यूब पे सर्च आउट कर लेना वीवो V20 सिनेमैटिक शूट एंड OnePlus Nord सिनेमैटिक शूट, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्वालिटी वगैरह देखने को मिलने वाली है। तो यार अभी मैंने आपको बैटरी के रिलेटेड भी स्मार्टफोन बता दिया, कैमरे के रिलेटेड भी स्मार्टफोन बता दिया। अभी आगे बात करते हैं भाई, अगर आप रियलमी लवर हो ना उसके भी मैं आपको दो फोन बता दूंगा, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अभी बात करते हैं रियलमी ब्रांड की। तो यार अगर आपने रियलमी के स्मार्टफोन की ओर जाना है, अगर आपका बजट 30,000 है, तो भाई आप जा सकते हो रियलमी X3 सुपर जूम की ओर एंड रियलमी X2 प्रो की ओर। दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है बहुत तगड़ा मिल जाता है, कैमरा दोनों में बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी आप इन दोनों में से लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन जो सुपर जूम है उसमें कैमरा ज़्यादा सही मिल जाता है। उसका नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको रियलमी X3 सुपर जूम देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने कैमरे के रिलेटेड लेना है तो आप जा सकते हो रियलमी X3 सुपर जूम की ओर एंड भाई अगर आपको रियलमी X2 प्रो पसंद आता है तो भाई आप उसकी ओर भी जा सकते हो। जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लिंक मैंने दोनों के प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगर आपने दोनों को देखना है, चेकआउट करना है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, अगर आप खुद से देखना चाहते हो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार रियलमी X3 सुपर जूम के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS LCD देखने को मिलती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5Q प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। तो यार डिस्प्ले का सच में बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस, बहुत तगड़ा। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है ना तो भी आपके लिए ये जो स्मार्टफोन है परफेक्ट डील हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में आपको प्रोसेसर बहुत तगड़े मिल जाते हैं। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाते हैं प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्मार्टफोन जो है वो 2 मिनट में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपने 8GB की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 12GB की ओर जाना आप जा सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है 32 MP प्लस 60 MP। प्राइस की बात करूं अगर आप भाई लोगे 8GB रेड तो उसका प्राइस मिलेगा आपको 26,000 के बजट में। अभी आगे बात करते हैं रियलमी X2 प्रो के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार रियलमी X2 प्रो के मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, पहले डिस्प्ले की बात करूं, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसका भी मतलब डिस्प्ले बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। एंड भाई ये 3 वेड में देखने को मिलता है, 6GB 8GB एंड 12GB। एंड भाई आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5Q प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो इसका डिस्प्ले ज़्यादा सही देखने को मिलेगा आपको एज कंपेरिजन किया जाए रियलमी X3 सुपर जूम के साथ। बट उसमें आपको 120 रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, वो मैटर करती है। प्रोसेसर की बात करूं इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। स्टोरेज की बात करूं आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज। मैं आपको कहना चाहता हूं इसमें आपको 6GB रैम भी मिल जाएगी, 8 भी मिल जाएगी, 12 भी मिल जाएगी। स्टोरेज वेरिएंट भी आपको अलग देखने को मिलेंगे, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग के स्पेसिफिकेशन मतलब पैसे जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। बैटरी की बात करूं आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं क्वाड कैमरा मिल जाता है 64 MP प्लस 30 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूं आपको 16 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस मतलब 27,000 से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका प्राइस यार 30,000 से ऊपर जा सकता है, बिकॉज अगर आप 12GB वेड लोगे ना उसका प्राइस ज़्यादा है एंड अगर आप 6GB वेड लोगे उसका प्राइस आपको कम देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए। अभी आप देख लेना, अगर आपने रियलमी X3 सुपर जूम की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने भाई रियलमी X2 प्रो की ओर जाना है आप जा सकते हो। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, डिज़ाइन वगैरह लुक वगैरह भी आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी पसंद आता है आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। भाई आगे बात करते हैं, अगर आपको डुअल डिस्प्ले चाहिए, OLED डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ आपको तगड़ा प्रोसेसर चाहिए, उसके साथ साथ भी अगर आपको एक सेल्फी के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, डुअल डिस्प्ले चाहिए, अच्छा प्रोसेसर एंड अच्छा कैमरा चाहिए, तो भाई आप जा सकते हो LG G8X की ओर। अगर मैं इसकी बात करूं इसका डिज़ाइन लुक बहुत प्यारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी और स्मार्टफोन में आपको नहीं देखने को मिलती। उसके साथ साथ ये 360 डिग्री जो है वो ओपन फोन हो जाता है एंड इसका कलर वगैरह प्यारा है। उसके साथ साथ आपको तगड़ा कैमरा
मिल जाता है, कैमरे के साथ साथ आपको तगड़ा प्रोसेसर भी मिल जाता है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है तब भी आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच ओएलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, एंड आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, बैटरी की बातों को 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, कैमरे एंड सेल्फी की बात करूँ वो सेम देखने को मिलता है, ठीक है। वो कैसे देखने को मिलेगा आप खुद भी चेकआउट कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड किया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको 32MP प्लस 12MP प्लस 30MP आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात उनको अंडर 30,000 नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको LG G8 XKB बता दिया, इसका डिज़ाइन सच में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपका बजट 30,000 है, 30,000 के बजट में आप एक डुअल डिस्प्ले लेना चाहते हो, कोई डिफरेंट डिज़ाइन लेना चाहते हो, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील हो सकता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, या नंबर वन पर मैंने रखा IQ3 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ ये ऑरेंज कलर में बहुत प्यारा लगता है, एंड इसका प्रोसेसर सबसे तगड़ा है भाई। अगर आप मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है, ठीक है। अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए IQ3 आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप चेकआउट कर लेना, इसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, ज्यादा वीडियो नहीं लंबी करने वाला, ठीक है। तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि सच में बहुत तगड़ा प्रोसेसर है भाई। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है नॉर्मली स्मूथली कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टोरेज की बात करूँ ये 3 GB में देखने को मिलता है, 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 4400mAh की बैटरी मिल जाती है, 54W का फास्ट चार्जर, कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा मिल जाता है 48MP प्लस 30MP प्लस 30MP प्लस 2MP, सेल्फी की बात करूँ आपको 16MP के साथ इसकी सेल्फी देखने को मिल जाती है। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया IQ3 के भी, तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिए जो कि अंडर 30,000 आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कैमरे के रिलेटेड चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, अभी अगर आपको रियलमी की ओर से चाहिए उसका भी मैंने बता दिया, अगर आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए भाई उसका भी मैंने बता दिया, अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको IQ3 बता दिया। तो यार अभी मेरी वीडियो यार यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे यार आपके साथ, कोई नया गैजेट शेयर करेंगे यार। थैंक यू।